हाय व्यूअर्स, आज हम आपको भरवा शिमला मिर्च बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता है: 4 मध्यम आकार की शिमला मिर्च, 2 मध्यम आकार के उबले हुए बारीक कटे आलू, 1 मध्यम आकार का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 इंच का अदरक बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, तेल तलने के लिए और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले हम भरावन बनाएंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसे मध्यम आंच पर गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो अब हम उसमें जीरा डालेंगे और इसके फूटने तक हम इसे भूनते रहेंगे। जीरा भुनने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और अदरक डालकर इन्हें सुनहरा भूरा होने तक भून लेंगे। प्याज और अदरक सुनहरे भूरे हो चुके हैं और अब हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसे भी थोड़ा सा हिला लेंगे और अब इसे 1 मिनट तक या टमाटर के नरम हो जाने तक ढक कर पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर नरम हो चुके हैं, इसलिए अब हम इसमें कटे हुए उबले हुए आलू डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से और इन्हें भी 1 या 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अंत में हम इसमें गरम मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाइए। भरवा शिमला मिर्च की भरावन बनकर तैयार है। अब हम शिमला मिर्च को तैयार करेंगे। सबसे पहले आप शिमला मिर्च को अच्छी तरह से धो लें। अब इसके ऊपर के हिस्से को काट लें और आलू छीलने वाली छुरी या किसी भी छुरी की सहायता से इसे अंदर से साफ करेंगे और ये हमें बड़े ध्यान से करना है। और इसी तरह से हम सभी शिमला मिर्च को साफ कर रख लेंगे। अब हम शिमला मिर्च में भरावन को भरेंगे। उसके लिए हम एक एक करके शिमला मिर्च लेंगे और उसमें भरावन को दबा दबा कर भरेंगे। इस तरह से ये चम्मच की सहायता से आप भरें इसे। इस तरह से इसी तरह से सभी शिमला मिर्च में भरावन भरें और उन्हें एक तरफ रख लें। अब फिर से कढ़ाई में तेल डालें और इसे मध्यम आंच पर गर्म करें। तेल के गर्म हो जाने पर भरवा शिमला मिर्च को कढ़ाई में पकने के लिए रखें। इस तरह से इसे ढक कर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के दौरान इसे बीच बीच में हिलाते रहें ताकि यह जले ना। इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। अब ये देखिए भरवा शिमला मिर्च तैयार है। अब हम इस आंच को बंद कर लेंगे और इन्हें परोसेंगे। इसके लिए बचे हुए भरावन को प्लेट में निकालें और अब इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और उसके बाद इस पर एक एक करके शिमला मिर्च को रखते जाएंगे। इस तरह से सभी शिमला मिर्च को हम प्लेट में सजा लेंगे। देखिए हमने प्लेट में सजा लिया और बारीक कटे हुए हरे धनिया से ये सजाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमसे सब्सक्राइब करें।